हेलो दोस्तों, सबको मेरी राम राम। आज हम बनाएंगे घर के ही कुछ सामान से इडली सांभर। सबसे पहले मेरे पास नारियल नहीं था तो मैंने सूखा वाला गोला होता उसको ही काट के भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी के जार में डाला, चने, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा नमक और सूखा धनिया इसको पीस लिया। उसके बाद हमने सांभर की तैयारी की। तो मेरे पास अरहर की दाल नहीं थी तो मैंने चने की दाल ली। चने की दाल में मैंने 2 आलू, लौकी, कद्दू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और इमली का पेस्ट डाल के इसको सीटी लगा दी थी। अब तब तक हमने इसको उबलने के लिए रखा है, तब तक हम इडली के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूजी ली, उसमें थोड़ा नमक ऐड किया और लस्सी मिला के इसका बैटर बना के रख दिया। तब तक हमारी ये इस इडली का बैटर तैयार हो रहा है, तब तक हम इसमें कुकर में पानी चढ़ा के फिर हाँ इसके जो सांचे होते हैं उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया। और उसके बाद हमने इडली का वो बैटर निकाल के अलग बर्तन में, और हाँ जितनी इडली बनती है ना उतना ही उसमें 1 पाउच इनो का डाल के फिर हमने इसमें सांचे में बैटर डाला और इडली बनने के लिए हमारी तैयार हो रही है। और हाँ, जब तक हमारी इडली बन के तैयार होती है तब तक हमारे यह सांभर उबल रहे थे, बल्कि मैंने इसको पोटैटो मैशर से अच्छे से फोड़ लिया, फिर ये अच्छी तरह मिल गए थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में राई, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्ची, हाँ ये तीखी वाली नहीं थी, और फिर मैंने सांभर को तड़का लगा दिया। तब तक हमारी इडली भी गर्मा गर्म बन के तैयार है। अब देखो हमारी इडली कितनी फुली फुली और सॉफ्ट बनी है एकदम। उसके बाद हमारी इडली एकदम सॉफ्ट नरम बिल्कुल, ये देखो तोड़ के देखो कितनी सॉफ्ट लग रही है ना। और अब खा के ट्राई करते हैं, खाने में भी बड़ी ही